दहशतगर्द है, मैं चारों दहशतगर्द ने, मेरी माँ दहशतगर्द है, मेरा प्यो दहशतगर्द है, छोटा इमरान खान नू और नवाज शरीफ निकल बाहर, तू बता ले आज मुजरा करिए तेरे नाल, बाहर निकल तेरी बहन दी छोड़ना नहीं। इमरान खान चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। नमस्ते, इमरान खान आज की तारीख में पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता बन गए हैं, जिसने पाकिस्तानी समाज को बांट दिया है। बांट क्या दिया पाकिस्तानी समाज को? अपनी ही सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया। लिहाजा जानना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तानी सेना से इस बार क्या गलती हो गई है कि वो इमरान खान को काबू में करने में नाकाम हो गई है। पिछले साल अप्रैल में इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाया गया था, लेकिन उससे पहले का वक्त जरा याद करिए। पिछले साल अप्रैल से करीब 4 साल तक देश की सत्ता संभाल चुके इमरान खान अपने देश में काफी नापसंद किए जाने लगे थे। उनका सपोर्ट बेस तो मजबूत था, लेकिन देश की एक बड़ी आबादी को एहसास हो गया था कि इमरान खान के पास देश की सरकार चलाने की क्षमता नहीं है। इमरान खान के शासन के दौरान से ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ने गोता लगाना शुरू किया था और महंगाई 7वें आसमान तक पहुंच गई थी। इमरान खान के शासनकाल में ही पाकिस्तान के सऊदी अरब और अमेरिका से संबंध खराब हुए थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को फ्लाइट से लिफ्ट दी थी, लेकिन बाद में उन्हें एयरपोर्ट पर फ्लाइट से नीचे तक उतार दिया गया। हालांकि बाद में इमरान खान ने माफी मांग ली थी। वहीं इमरान खान के शासनकाल में पाकिस्तान अमरीकी खेमे से निकलकर चीन के खेमे में चला गया। इमरान खान ने अमेरिका पर अपनी सरकार को गिराने का बार बार आरोप लगाया है। अप्रैल 2022 से पहले हालात ये हो गए थे कि पाकिस्तान में इमरान खान के नाम पर मीम्स और जोक बनने लगे थे। टीवी चैनलों पर लाइव कार्यक्रम के दौरान लोग उनकी लगातार बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन फिर अप्रैल 2022 में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और यकीनन ये एक बहुत बड़ी गलती थी। पाकिस्तान में इस साल चुनाव होने वाले हैं और इमरान खान करीब 4 साल तक सत्ता में रह चुके थे और उनके खिलाफ देश में ऐसा माहौल बन चुका था कि चुनाव में वो बुरी तरह से हार सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों से सत्ता से ज़्यादा दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो पाया और सेना ने इमरान खान को सत्ता से बाहर कर दिया। अंजाम ये हुआ कि शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान की बिगड़ती स्थिति संभालने में नाकाम हो गई और जो जनता इमरान खान से गुस्से में थी उसका सारा गुस्सा अब शहबाज शरीफ की सरकार पर आ गया है। दूसरी तरफ इमरान खान ने अमेरिका फौज विदेश नीति आर्थिक संकट जैसे मुद्दों के लिए शहबाज सरकार के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया है, जिसका नतीजा आज उनकी गिरफ्तारी के बाद देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों की सरकार में आने की जल्दबाजी ने इमरान खान के पक्ष में पाकिस्तान में जबरदस्त माहौल तैयार कर दिया है और हर किसी का मानना है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो इमरान खान एक तरफा जीत हासिल करेंगे और इसी डर से शहबाज सरकार की पाकिस्तान के दो प्रांतों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हो रही है। पाकिस्तान की सेना बार बार कहती आई है कि वो राजनीति से न्यूट्रल है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है कि सेना न्यूट्रल हो जाए। पिछले 1 साल में इमरान खान के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे किए गए हैं, जिसको इमरान खान ने अच्छे से भुनाया है और खुद को जनता के सामने पीड़ित की तरह पेश किया है। इमरान खान को इस तरह से गिरफ्तार करना पाकिस्तान की सेना की सबसे बड़ी गलती मानी जा रही है। अब इमरान खान के साथ आर पार की जंग शुरू हो चुकी है और पहली बार सेना ने देश की जनता को अपने ही खिलाफ कर लिया है। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ विद्रोह फूट पड़ा है, जिसे संभालने में पाकिस्तान की फौज बुरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सेना समझ नहीं पा रही है कि वो स्थिति को कंट्रोल कैसे करे। इमरान खान को अगले 8 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है और इस दौरान देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिससे इमरान खान और ताकतवर हो रहे हैं। इमरान खान जितने दिनों तक जेल में रहेंगे उनकी ताकत उतनी गुनी बढ़ती जाएगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान की फौज का प्लान यह है कि इमरान खान और उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा
और अगर ऐसा किया जाता है तो फिर इमरान खान को भले रोक लिया जाएगा, लेकिन ऐसा करने में देश में भीषण गृह युद्ध छिड़ने की संभावना बन जाएगी। दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिति जो पहले से ही बर्बादी के कगार पर है, वो भी पूरी तरह गर्त में मिल जाएगी और देश की किसी भी सरकार के लिए देश को संभालना नामुमकिन की तरह हो जाएगा। IMF और पाकिस्तान सरकार के बीच की बातचीत फेल हो चुकी है और IMF से लोन नहीं मिलने का मतलब यह है कि अगले महीने पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।